अगले साल जनवरी में पठान वर्सेस आदि पुरुष होने वाला है, कौन सी फिल्म देखेंगे? हाँ देखिए सर, वर्सेस तो होगा नहीं क्योंकि देखिए दो वीक पहले आ रही है आदि पुरुष, जो श्री राम जी का किरदार निभा रहे हैं प्रभास जी की, वो भी जबरदस्त फिल्म होगी, काफी बड़े वेट पे बनी है। वहीं पठान की बात करें देखिए 25 जनवरी को आएगी, इसको भी काफी बड़े वेट में 200-250 करोड़ के बजट में तैयार किया है यशराज ने, जबरदस्त कमबैक करेंगे सर दोनों ही एक्टर। मुझे दोनों ही एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, देखिए शाहरुख खान तो अपने फेवरेट हैं, वहीं प्रभास भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो उनकी भी देखिए कमबैक फिल्म होगी आदि पुरुष, क्योंकि देखिए उनकी राधे श्याम और पिछली साहो भी इतनी कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन आदि पुरुष के जरिए वो भी जबरदस्त वापसी करेंगे, वहीं पठान के जरिए शाहरुख खान तो करने वाले हैं, दोनों फिल्में कमाई करेंगे और मुझे लगता है दोनों ही फिल्मों को सपोर्ट भी मिलना चाहिए ऑडियंस का, क्योंकि देखिए वो भी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं प्रभास। 12 अगस्त को फिल्म रिलीज़ होगी, प्रभु श्री राम बने उसमें, सैफ अली खान उसमें रावण के किरदार में, सीता माता के रूप में कृति सैनन है, और काफ़ी और भी कई सारे लोग हैं, तो काफ़ी अच्छी वो फिल्म लग रही है, ओम रावत जी डायरेक्शन कर रहे हैं फिल्म का, तो ऐसी फिल्म को भी सपोर्ट करना चाहिए, वो फिल्म काफ़ी अच्छी कमाई करेगी शुरुआती 2 हफ्ते तक, उसके बाद पठान आएगी, पठान भी चलेगी और पठान के साथ वो भी कमाई करेगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लेकिन देखिए यशराज की फिल्म से तो स्क्रीन्स तो देखिए आदि पुरुष की कम टोटली हो ही जाएगी 25 जनवरी तक, और जितना कमाना होगा फिल्म को जब तक कमाई चुकी होगी, तो पठान के लिए पूरा रास्ता साफ रहेगा, फिर पठान एक तरफा राज करेगी बॉक्स ऑफिस पे, जबरदस्त कमाई करेगी। थेलापति विजय की भी एक फिल्म रिलीज हो रही है उसी वक्त, क्या लगता है उस फिल्म को इफेक्ट पड़ेगा? हाँ जी देखिए सर, मैंने सुना कि पठान को तो देखिए सर कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि थलापति विजय और मैंने सुना शायद अजीत कुमार है उनकी भी फिल्म लग रही है, लेकिन वो 12 जनवरी को ही लग रही है, आदि पुरुष के साथ वो क्लैश हो रहे हैं, तो वैसे ही हिंदी में उनकी फिल्में इतनी कुछ चलती नहीं, तो पठान से तो देखिए कोई फर्क पड़ना नहीं, पठान को कोई फर्क पड़ना नहीं है उन दोनों फिल्मों से, आदि पुरुष से थोड़ा सा फर्क पड़ सकता था यदि आदि पुरुष बिल्कुल ही एक वीक पहले या बिल्कुल साथ में रिलीज हो रही होती, लेकिन आदि पुरुष 2 हफ्ते पहले, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आदि पुरुष को इन दोनों फिल्मों से फर्क पड़ सकता है।